टोटल दिया हुआ है ए जो है एक्यूट एंगल है और बी भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा मतलब ऑल पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है cos a = 1 / 7 दिया है, इसका मतलब sin a = हो जाएगा 1 - 1 cos a का होल स्क्वायर, बिकॉज़ sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर, 1 - 1 / 7 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर - 1 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 7 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया, साथ में 6 हो गया, इधर 7 8 8 आ गया 7, अब कितना हो जाएगा 8 में 16 का 4 निकल गया अंडर रूट 3। तो हमारे पास किसका वैल्यू निकल गया sin a का वैल्यू निकल गया, sin a = 4 रूट 3 बाय 7। उसी तरह मेरे पास क्या देख रखा हुआ है cos b भी देख रखा हुआ है, cos b इक्वल टू 13 बटे 14 दिया हुआ है, तो sin b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 13 बाय 14 का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर, दिस इज क्या 14 स्क्वायर 13 स्क्वायर बाय 14, और ये क्या हो जाएगा दिस इज 14 प्लस 13 दैट इज 27 अंडर रूट, दिस इज 14 तो ये हो जाएगा 3√3 कितने 27 14 आ गया, ये किसका आ गया sin b का वैल्यू आ गया, दैट इज यहां पर आ गया sin b इक्वल टू 3√3 बाय 14। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं नाउ cos a माइनस b करेंगे, cos a माइनस b का मान निकालना है, cos a माइनस b इक्वल टू क्या होता है cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b का सब क्या वैल्यू है cos a इक्वल टू 1 / 7 और sin a इक्वल टू cos b निकालना है, cos b 13 / 14 साइन ए साइन बी 4√3 बटे 7 गुना 3√3 बटे 14 ये दिया हुआ है। अब इसको करेंगे तो 13 बटे 14 गुना 7 ठीक है, एंड दिस इज 4 तिया 12 गुना 3 36 बटे 7 गुना 14 देख लेते हैं हाँ सही है, एंड दिस इज क्या हो जाएगा 36 और 13 दैट इज 49 सात गुना 14 सात सते सात दूनी दैट इज 1 बाय 2 निकल गया, तो cos a माइनस b इक्वल टू 1 बाय 2 निकला, कितना डिग्री 1 बाय 2 था वैल्यू cos का 60 डिग्री पर वैल्यू होता है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है sin x - y - sin x - y tan x - tan y = y tan x - tan y करते प्रूफ, हमारे पास क्या दिया है tan x + tan y होल डिवाइडेड बाय tan x - tan y, सबको sin cos में चेंज कर देते हैं sin x cos x sin y cos y all divided by sin x sin y cos y, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x cos y plus cos x sin y हो जाएगा, और ये पूरा whole divided by क्या हो जाएगा cos x cos y, अब नीचे वाला करेंगे क्या हो जाएगा सेम चीज होगा sin x cos y sin y cos x whole divided by cos x cos y, ये खत्म, ऊपर वाला क्या खुला बना वाला बन गया sin x plus y का, नीचे वाला क्या खुला बना sin x minus y का, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट वाला है cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x cot 3x into cot x equal to 1 होगा, इसको प्रूफ करना है, हम लोग रिमार्क में लिख दिया cot a plus b equal to क्या होता है cot a into cot b minus 1 cot a plus cot b ठीक है, अब क्या कर रहे हैं उसी के हिसाब से cot x plus 2x अगर हम लोग करेंगे cot x plus 2x तब इस cot a plus b हो गया, क्या हो जाएगा cot a into cot b minus 1 whole divided by क्या हो जाएगा cot a plus cot b इतना आ गया cot 2x plus x cot 2x plus x कितना हो जाएगा cot 3x हो जाएगा, यही बोल देते हैं ये चीज बन जाएगा 3x ठीक है, अब ये चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा cot 3x cot x ठीक है, होगा cot 2x cot x फिर ये वाला इसको इधर ले आएंगे हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स, आई मेरा कितना आ गया दिस इज इक्वल टू वन नॉट माइनस वन ठीक है, इतना आ गया मेरा, लेकिन हमको लाना है वन तो क्या करेंगे माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस कर देंगे इधर भी माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां बन जाएगा माइनस यहां बन जाएगा माइनस यहां बन जाएगा प्लस, और हो जाएगा मेरा प्रूफ, देख सकते हैं इसमें मिला सकते हैं हम लोग कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स कॉट टू एक्स कॉट एक्स हो गया दिस इज cot x हो गया प्रूफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रूफ करना cos स्क्वायर 2x - cos स्क्वायर 6x = sin 4x - sin, ये प्रॉब्लम है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग दिस इज
वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, इतना हो गया लेफ्ट पार्ट इक्वल टू, ये उसको बराबरी अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, इतना आ गया। अब फॉर्मूला में सेट कर देंगे हम लोग, तो ये चीज क्या आ जाएगा साइन, पहले दोनों को जोड़ लेना है एट एक्स इंटू साइन, दोनों को घटा लेना है चार एक्स, हो गया प्रूफ। आपको नेक्स्ट प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू फाइव एंड प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस थीटा, ऐसे क्या लिख सकते हैं वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, ये हो गया एंड दिस इज कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू फाइव प्लस, ये क्या हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। अब ये हम लोग इधर पहले दिमाग में फॉर्मूला देखे थे कि ये बना हो जाएगा, ये चीज मेरा क्या हो जाता था साइन, ये दोनों को एक बार जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा टू थीटा और फिर साइन मल्टीप्लाइड बाय इधर को फिर घटा देना है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू फाइव हो जाएगा, ठीक है इतना मेरा आ गया कॉस टू थीटा कॉस टू फाइव, साइन का माइनस एंगल बाहर हो जाता है इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं टू थीटा इंटू टू फाइव, तो मेरा क्या आ गया कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरा आ गया, प्रूफ भी हो गया साथ ही साथ काम का। तो नेक्स्ट वाला प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस, वही लिखा हुआ है करते प्रूफ, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, सब नोटेशन से बढ़िया ध्यान रखना है, बहुत आसान होता है सब नोटेशन में प्रूफ करना। तो अब कॉस स्क्वायर ए साइन खाली लिख देते हैं साइन स्क्वायर बी, ये प्लस वन साइड में रहा माइनस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, अब क्या रहा इसको हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है नाउ प्लस वन हो गया माइनस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो अब कॉस ए प्लस बी यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे, तो कॉस ए प्लस बी यहां से तो मेरा कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचा कॉस ए माइनस बी, ऐसे बच गया माइनस टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी, इतना मेरे पास आ गया, इधर प्लस वन मेरा साइड में रहा। अब और जरा सॉल्व करते हैं कॉस ए प्लस बी, इसको कर देते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी एंड दिस इज प्लस वन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें से तो दो ठो में से एक खत्म हो जाएगा ईठो ईठो खत्म हो गया, फिर माइनस को मन लेते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस को मिलेंगे तो उठवा लिया जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है प्लस वन, तो ई वाला फिर क्या हो गया मेरा ई वाला फिर क्या हो गया कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला हो गया सीधा बात है माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी एंड दिस प्लस वन, अब ई वाला चीज क्या बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बनाना, अब वन प्लस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, याद रखना पड़ता है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट का प्रॉब्लम दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों तरफ अगर हम टेन लगा देंगे इधर भी टेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दिस इज टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन प्लस कर कितना होता है वन होता है, कितना हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू वन माइनस टेन ए टेन बी, सबको इधर ले आते हैं टेन ए प्लस टेन बी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन ए टेन बी, इधर मेरा वन था इधर प्लस वन कर देंगे और इधर भी प्लस वन कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा वन प्लस टेन ए इतना में आ गया, इतना में टेन बी कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा वन प्लस टेन ए दिस इज राइट साइड टू, तो ये तो मेरा कॉमन आ गया वन प्लस टेन ए वन प्लस टेन बी इक्वल टू टू, प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट दिया हुआ अगर साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस वन इक्वल जीरो है तो हमको प्रूफ करना है ये वाला चीज वन प्लस कॉट अल्फा एंड दिस इज कॉट बीटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, तो इसमें साफ लिख देते हैं कॉट बीटा अगर डिवाइड करेंगे हाँ। यहाँ कॉट अल्फा नहीं होगा मिस्टेक हो गया यहाँ पर होगा टेन टेन बीटा ही होगा टेन बीटा ही होगा यस,
तो कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, तो 1 प्लस इसको cot अल्फा हुआ, इसको लिख देते हैं 1 बाय cot बीटा, दिस इज 1 बाय cot बीटा, 1 बाय cot बीटा इक्वल टू 0। हमको प्रूव करना है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या करेंगे ताकि हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 1 प्लस, अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे दिमाग में है कि 1 प्लस दिस इज व्हाट cot अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot अल्फा दैट इज cos अल्फा बाय sin अल्फा, और ये बीटा है दैट इज sin बीटा बाय cos बीटा, इतना हुआ। एक तरह से हमको ये प्रूव करने बोल रहा है कि sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा होल डिवाइडेड बाय sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू 0। एक तरह से मतलब हमको प्रूव करने बोला है sin अल्फा प्लस बीटा, यस sin अल्फा प्लस बीटा बाय sin अल्फा इनटू sin बीटा इक्वल टू 0, दैट इज sin अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अगर हम लोग इजी प्रूव कर दें कि sin अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो मेरा काम बन जाएगा। या फिर दूसरा इसमें मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 बोल सकते हैं, ये चीज अगर प्रूव करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो फिर रिवर्स प्रोसेस चल जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। वह चीज करते हैं, मेरा दिया क्या है sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू -1, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, तो ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का 0 है, इसका एकदम रिवर्स प्रोसेस चल जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा, हो गया प्रूफ। सवाल दिया है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2 है, तो हम गिवन है, इसको प्रूव करना है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा sin अल्फा गामा इक्वल टू 0 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos बीटा cos गामा माइनस माइनस का प्लस, बिकॉज माइनस का यहां प्लस हो जाएगा, sin बीटा sin गामा cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, ये पूरा परिणाम कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। इसी को हम लोग फटाफट में लिखेंगे, क्या आ जाएगा सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा से लेकर तक जाएगा गामा तक, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, ये तीनों को फटाफट में ऐसे लिख दिए, उसी तरह प्लस सिग्मा अल्फा से लेकर गामा तक साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इसको इसको और इसको लिख दिए बराबर -3/2, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, पूरा डिजाइन को दोनों तरफ जो है 2 से दिए मल्टीप्लाई करके, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 खत्म हो गया इधर, तो मेरा इधर क्या हो गया 2 टाइम्स सिग्मा cos अल्फा cos बीटा अल्फा से लेकर गामा तक प्लस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा से लेकर गामा तक sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू, इधर बचा है मेरा -3, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इधर प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, तो इधर भी हमको वही काम करना पड़ेगा, बिकॉज cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा कितना 1 हुआ, इधर भी कितना हुआ 1 हुआ, ये भी कितना हुआ 1 हुआ, मतलब 1 1 1 3 जोड़ना पड़ेगा, दैट इज -3 + 3, ये तो हो गया 0। इधर में मेरा क्या बना, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये एगो है एगो नीचे वाला ही है, दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा अल्फा से लेकर गामा तक प्लस 2 टाइम सिग्मा अल्फा से लेकर गामा तक cos अल्फा cos बीटा प्लस, ये तो ये सिग्मा अल्फा से लेकर गामा तक sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सिग्मा अल्फा से लेकर गामा तक sin अल्फा sin बीटा, ये राइट साइड में मेरा 0 आ गया, 0 आ जाएगा, इधर जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, हां 0 ही जाएगा, बिकॉज़ ये पूरा अपनी इसमें दोनों सब तरफ जोड़ दिए थे ना, तो वो तो मेरा 3 और -3 तो मेरा 0 हो गया, काम खत्म। दिस इज, तो ये मेरा लेफ्ट तरफ में क्या होना है, इतना हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं सिग्मा cos अल्फा का होल स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं सिग्मा sin अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, cos अल्फा cos बीटा cos गामा पूरे का होल स्क्वायर वही है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, इसको तोड़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा,
अब क्या मिला, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर जीरो। हम लोग जानते हैं ये तभी संभव है जब एक्स भी जीरो होना चाहिए, वाई भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से ये हो गया कि सिग्मा कॉस अल्फा बराबर जीरो, मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, दिस इज गामा, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड सिग्मा साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। प्रूफ हो गया।